दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ 20,000 के बजट रेंज में कुछ ऐसे फोन्स जो आप अभी के टाइम पे बाय कर सकते हो, क्योंकि जो लिस्ट है वो थोड़ी सी चेंज हुई है क्योंकि काफी सारे न्यू फोन्स भी लॉन्च हुए हैं। एंड जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन तो हो ही जाती है कि कौन सा फोन बाय करें एंड कौन सा फोन ना बाय करें। तो यहाँ पे इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे फोन्स रिकमेंड करने वाली हूँ जो आप अभी के टाइम पे बाय कर सकते हैं, वो भी अंडर 20,000 में। यहाँ पे जो फोन्स की लिस्ट है उनको मैंने कैटेगरी वाइज उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन कौन सा है, या फिर बेस्ट कैमरा वाला फोन कौन सा है, या फिर बेस्ट यूआई वाला फोन कौन सा है। एंड यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों को कोई कोई ब्रांड स्पेसिफिक भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फोन है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है बेस्ट परफॉर्मेंस की, एंड यहाँ पे एक फोन जरूर आता है, दैट इज पोको X6। और यहाँ पे इस फोन की मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको अंडर 20,000 में मिल जाती है। प्लस जो इसकी डिस्प्ले है काफी अच्छी है, बेजल्स आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, अंतुतु स्कोर भी काफी अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 6.6 इंचेस की आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है, जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, जिसको आप वर्क करता देखोगे हाइपर ओएस पे। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है विद OIS, एंड फ्रंट में भी आपको वहाँ पे 16MP का वाइड सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, 5100mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 67W के चार्जिंग स्पीड को। इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो भी आपको 6 लाख के अराउंड आपको अंतुतु स्कोर मिल जाता है, यानी कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन है, क्योंकि यहाँ पे आप BGMI को 60 FPS पे आप आराम से खेल सकते हैं, कोई भी लैग एंड ड्रॉप का इशू आपको नहीं आने वाला है। लास्टली अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 18,999 का। अगर आप इस पे भी बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो ये फोन आपको अभी और भी कम का कॉस्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी अगर वो सिर्फ परफॉर्मेंस है, जहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, तो आप इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की, एंड ये जो कैटेगरी है वो है बेस्ट कैमरा फोन, और इसमें एक फोन जरूर आता है Realme Narzo 70 Pro। एंड ये फोन अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, इसके अंदर आपको सोनी का सेंसर भी मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली दिख जाएगा अंडर 20,000 के अंदर। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें, 6.67 इंच के आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर है जो वर्क करता है 6nm के चिपसेट पे, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, जिसको आप वर्क करता देखोगे Realme UI 5.0 पे। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50MP का वाइड कैमरा मिलता है विद OIS, जिसके अंदर आपको सोनी का फ्लैगशिप सेंसर मिल रहा है, एंड दैट इज IMX890 सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 2MP का मैक्रो है। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिल जाएगा। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है जो सपोर्ट करती है 67W के चार्जिंग स्पीड को। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका बैक है वो ग्लास बैक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है, एक तो जो यहाँ पे इसका डिजाइन है, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, सोनी का सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ के लिए आपके लिए बेस्ट फोन है जो आप अभी के टाइम पे बाय कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करी जाए तो जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करता है 18,998 का। प्लस यहाँ पे भी अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो ये फोन अभी आपको और भी कम का कॉस्ट कर जाएगा, लेकिन Realme Narzo 70 Pro इस टाइम के लिए 20,000 के अंदर एक बेस्ट कैमरा फोन है जो आप अभी के टाइम पे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, एंड ये कैटेगरी है बेस्ट UI एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप गेस करिए आपके हिसाब से कौन सा फोन होना चाहिए बेस्ट UI एक्सपीरियंस वाला फोन, तो ये चीज आप गेस करके बताइए। तो जल्दी से कमेंट कर दो तो आपके हिसाब से बेस्ट UI एक्सपीरियंस वाला फोन कौन सा है। तो अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ कि बेस्ट UI एक्सपीरियंस वाला फोन आपको किसके अंदर मिलने वाला है, एंड दैट इज जो भी ये न्यूली लॉन्च फोन हुआ है CMF Phone 1। अच्छा, यहाँ पे आपको एक UI एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पे फालतू के ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, हालांकि एक दो ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। प्लस अगर मैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.67 इंचेस के आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MediaTek की तरफ से Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर आपको मिल जाता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, Android 14 पे आप इसको वर्क करता देखोगे। डुअल कैमरा सेटअप है, 50MP का वाइड कैमरा है, 2MP का डेप्थ है। यहाँ
पे आप 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा एंड 5 वॉट आपको रिवर्स वायरलेस का भी चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस फोन की तारीफ इस चीज के लिए करूंगी कि ये एक ऐसा फोन है जिसमें आपको इंटरचेंजेबल आप यहाँ पे बैक पैनल चेंज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो स्टैंड आउट करता है पार्ट वो इसका UI है, जो काफी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो जो इसका वेरियंट है वो सिर्फ आपको 128GB वाला ही मिलने वाला है, और जिसका सिम स्लॉट है वो यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे एक SD कार्ड और एक सिम यूज कर सकते हैं या फिर आप डुअल सिम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये चीज थोड़ी सी बेटर हो जाती है अगर उन्होंने 256GB का स्टोरेज भी अगर दिया होता, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस फोन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस फोन के अंदर। एंड प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका 6GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरियंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 16,630 रुपीज का। एंड इस पे भी अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो और भी कम का ही फोन कॉस्ट करेगा। लेकिन ये फोन अभी न्यूली लॉन्च्ड है एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ। UI आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे जो आप ये इंटरचेंजेबल आपको ये बैक पैनल मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा यूनिक लगता है, काफी डिफरेंट लगता है, तो आप इस टाइम पे इस फोन को बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, ये कैटेगरी है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन। और इस कैटेगरी में यहाँ पे एक ही फोन आता है एंड दैट इज मोटो G85। यहाँ पे आपको एक बेस्ट डिस्प्ले मिल रहा है, कैमरा मिल रहा है, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, प्लस बैटरी लाइफ भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे ये अंडर 20,000 में तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है। ओवरऑल अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की आपको PoLED डिस्प्ले मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 6nm के चिपसेट पे, Android 14 है, डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, OIS का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 33 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। प्लस यहाँ पे आपको कैमरे में सोनी का सेंसर मिलने वाला है, सोनी लाइडिया 600 का आपको सेंसर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कैमरा काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। प्लस अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो इसका जो 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरियंट वो फोन आपको कॉस्ट करने वाला है 20,000 के अराउंड, बट अगर आप इस पे भी बैंक डिस्काउंट्स वगैरह लगाएंगे तो ये आपको अंडर 20,000 में कॉस्ट कर जाएगा। एंड अभी के टाइम पे ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन है जिसके अंदर आपको सारी चीजें बैलेंस्ड मिल रही है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ब्रांड स्पेसिफिक ज्यादा मैटर करता है, यानी कि उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड का ही फोन चाहिए। तो जैसे कि अगर जो सैमसंग के फैंस हैं तो उनके लिए है सैमसंग गैलेक्सी M35, जो अभी के टाइम पे काफी अच्छा फोन है जिसके अंदर आपको डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस सब अच्छी मिल जाती है, तो आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप वन प्लस के फैन हैं तो आप वन प्लस नोट CE4 लाइट को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ये भी एक बिल्कुल परफेक्ट फोन है। अगर आप वीवो के फैन हैं तो आप वीवो T3 5G को भी कंसीडर कर सकते हैं। अंडर 20,000 में ये एक बेस्ट कैमरा वाला फोन है, और अगर आपको रेडमी का फोन बाय करना है तो रेडमी नोट 13 5G को अभी के टाइम पे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फोन हैं जो आपको मैं अभी के टाइम पे रिकमेंड कर रही हूँ अगर आपका बजट रेंज भी 20,000 के अंडर है और आप एक नया फोन बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे आपको मेरी हेल्प भी जरूर करनी है, यानी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नया फोन बाय करना चाहते हैं। और इन सभी फोन का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।